जय मां दुर्गा। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय पर्व है, जिसमें देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन देवी मां का आह्वान किया जाता है, जिसके लिए घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि की पूजा देश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में होती है। वहीं देवी के भक्त घर पर भी नवरात्रि पूजा करते हैं, जिसके लिए घर के मंदिर में माता की पूजा के लिए घट स्थापना की जाती है। 9 दिन की पूजा के लिए पहले से ही कुछ तैयारियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि देवी माँ आपके घर पर 9 दिन के लिए वास करने आ रही होती है। ऐसे में अगर आप घर पर नवरात्रि पूजा करने जा रहे हैं तो तैयारियां शुरू कर दें। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए ज़रूरी सामान घर पर ले आएं। नवरात्रि की पूजा में किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी एक सूची तैयार कर लें, ताकि पूजा के वक्त किसी चीज़ की कमी ना हो और आप कोई भी सामान भूले नहीं। आइए हम जानते हैं अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रि के समय चाहिए होंगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास समय से पहले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सके। घट स्थापना के लिए जो सामान चाहिए होता है, उसमें सबसे पहले घट स्थापना के लिए कलश, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी, जौ, अगर जौ ना मिले तो गेहूँ, कलश को ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन, कलश में रखने के लिए 1 सिक्का, पीपल या आम के पत्ते, रोली और कलावा। नवरात्रि पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो होती है गंगा जल, सुपारी, दूर्वा, पीतल, तांबे या स्टील का एक लोटा जल से भरा हुआ, रेशेदार ताज़ा नारियल, हवन सामग्री, हवन के लिए सूखा नारियल, फूल, पान, रुई बत्ती, तिल का तेल या घी, दीपक जलाने के लिए दिया और भोग के लिए मिठाई और फल। देवी माँ के श्रृंगार के सामान की जो लिस्ट होती है वो होती है, इसके लिए देवी की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। देवी माँ के श्रृंगार के लिए लाल रंग की चुनरी, कुमकुम, लाल बिंदी, आलता, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर और मेहंदी आदि सामान की ज़रूरत होती है। फूलों या मोतियों की माला और लाल रंग की साड़ी अर्पित की जाती है। माता की चौकी को सजाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग आटे की चौक भी बनाते हैं, जिसके लिए एक मुट्ठी आटा या चावल के साथ हल्दी की ज़रूरत होती है। तो ये वो सामान है जो हमें नवरात्रि के समय चाहिए होता है। तो अपने नवरात्रि की जल्दी से तैयारी कर लें और ये सामान आप उपलब्ध कर लें। आपका जीवन खुशियों से भर दे इस बार मां दुर्गा। जय माता दी।